सो व्हाट्सअप गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इसी टाइप का फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त होने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले आपको लाइट रूम पे आ जाना है और यहां पर सबसे पहले आपको लाइट वाले टूल पे क्लिक करना है। इस पर आने के बाद सबसे नीचे आना है आपको और जो ब्लैक की वैल्यू है उसको माइनस कर देना है 24 और व्हाइट की जो वैल्यू है उसको माइनस कर देना है 34। इसके बाद जो शैडो की वैल्यू है उसको माइनस करके 10 पे कर देना है और हाईलाइट की जो वैल्यू है उसको 24 के आसपास कर देना है। अब सबसे ऊपर है कंट्रास्ट, तो कंट्रास्ट की जो वैल्यू है उसको बढ़ाकर आपको 15 पे कर देना है या 20 पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमारा जो काम है लाइट का वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको आना है कलर पे और कलर पे आने के बाद जो सबसे नीचे वाइब्रेंस का ऑप्शन है तो इसकी वैल्यू को बढ़ाकर आपको 42 के आसपास कर देना है। इसके बाद आपको जाना है ऊपर मिक्स पे और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको ऑरेंज पे आना है और ऑरेंज कलर पे आने के बाद जो इसका सेचुरेशन की वैल्यू है उसको बढ़ाकर आपको 30 के आसपास कर देना है। और ऊपर है ह्यू, तो ह्यू की वैल्यू को यहाँ से आप चेंज करके अपने कपड़े का कलर चेंज कर सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगता है। इसके बाद आपको लास्ट पे आ जाना है रेड कलर पे और इसका जो ह्यू की वैल्यू है वो आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है और सैचुरेशन की वैल्यू को आपको बढ़ाकर 41 पे कर देना है। इतना करने के बाद सबसे पहले आपको आना है ग्रीन कलर पे और ग्रीन पे आने के बाद जो इसका ह्यू की वैल्यू है वो आपको माइनस कर देना है और सैचुरेशन की वैल्यू आपको बढ़ा देना है। इसके बाद आपको आना है यहाँ ब्लू कलर पे और इस पर आने के बाद जो इसका ह्यू की वैल्यू है वो आपको यहाँ से कुछ इस टाइप से कर देना है -20 और सैचुरेशन की वैल्यू है उसको आपको माइनस कर देना है, ठीक है। इसके बाद आना है आपको यहाँ पर इसके बगल पे और इसका जो ह्यू है वो आपको माइनस कर देना है और सैचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस कर देना है। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ फर्स्ट वाले कलर पे और इस पर आने के बाद जो इसका सैचुरेशन की वैल्यू है उसको आपको माइनस कर देना है और ह्यू की जो वैल्यू है उसको आपको बढ़ाकर 10 पे कर देना है। और यहाँ से इतना करने के बाद आपको डन करना है। डन करने के बाद अब आपको आना है इफेक्ट पे। जैसे आप इस पर आओगे तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा टेक्सचर, तो टेक्सचर की जो वैल्यू है उसको आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है और क्लियरिटी की जो वैल्यू है उसको बढ़ाकर आपको 16 पे कर देना है। इसके बाद आपको आना है वाइंड पे, तो इसकी जो वैल्यू है उसको माइनस कर देना है 17 के आसपास। और यहाँ से इतना करने के बाद अब आपको आ जाना है इस वाले टूल पे। इस पर आने के बाद सबसे ऊपर जाना है और सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा शार्पनिंग, तो शार्पनिंग की जो वैल्यू है उसको बढ़ाकर आपको 20 कर देना है। नीचे आपको मिल जाएगा नॉइज रिड्यूशन की वैल्यू, तो इसको बढ़ाकर आपको 18 पे कर देना है। इतना करने के बाद सबसे नीचे थोड़ा सा और जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कलर नॉइज रिड्यूशन, तो इसकी वैल्यू को आपको बढ़ाकर 22 पे कर देना है और यहाँ से हमारा काम फिनिश हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आप इस फोटो के देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, पहले कैसी थी एंड अब कैसी है। तो ये रहा हमारा बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, वाओ गजब। जैसा कि आपने देखा कितनी हमारी अच्छी फ़ोटो लग रही दोस्तों। और इस फोटो को हमको शेव करना है अपनी गैलरी में, तो उसके लिए हमको ऊपर शेयर पे क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। देन इसके बाद जो हमारी फ़ोटो है वो गैलरी में सेव हो जाएगी और ऐसा करने से आपका जो फ़ोटो का क्लैरिटी है वो डाउन नहीं होगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपको डेली हम मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।